शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पापू ने जूते दिए हैं, देख लो। खूबसूरत है लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। ए बाबू, जूतों से हमने शक्ल का मुकाबला करो तो। अरे नाराज क्यों होती है धनिया, तेरी शक्ल तो मेरी शक्ल से भी अच्छी है ना। चल अपने हाथों से जूते पहना दे मुझे। आजा। ये हमारा काम नहीं है। फिर इस काम की कीमत क्या लेगी छोकरी? इसकी कीमत तो तुम खुद ही रख लो छोटे सरकार, और अपने हाथों से जूते पहन लो। ठीक है, तू कहती है तो खुद ही पहने लेते हैं। हाँ हाँ खूब देख लो, फिटिंग विटिंग बराबर है ना, कहीं दबा दो तो नहीं। अरे ओ बाबू, की घूम घूम कर हमका का दिख रहे हो, अपने जूते को देखो कहीं काटो तो नहीं। अरे जूता तो नहीं काटता, तू बात बात पे जरूर काटती। हाँ ये बात जान लो छोटे सरकार, हमरे काटे का मंत्र नहीं है। जसवंत सिंह के पास हर जहर का इलाज है। बोल कितने पैसे? बापू ने 50 बोले हैं। ये ले 50 बापू को दे देना, ऊपर के 30 तेरे। पैसे के गर्मी धनिया को नरम नहीं कर सकती छोटे सरकार, ये लो ऊपर के 30। हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते, ये हमारी शान के खिलाफ है लड़की। अरे तुम्हारी शान तो बाबू गांव भर के छुकरिया जानत है, वापस तो तुम ब्याज समेत लेते हो। ये पड़े हैं उठाई लेना, अंधेरे उजाले में तुम्हारे सिगरेट पाने के काम आएंगे। कौन है भाई? कहाँ हुकुम है मेम साहब? अरे तू भी आके नहा ले। मैं? अरे मेम साहब, मैं इसमें नहाऊंगा तो तुम मैली हो जाओगी। जरा मेरा हाथ तो पकड़ ले। हाँ। आजा। अरे बाप रे बाप। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं मेम साहब, हमको जरा दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तो फिर इन तारों को तू तो अपनी गोद में क्यों नहीं ले लेता? मेरी गोद खाली नहीं मेम साहब। अरे सुन तो, वहाँ से मेरा तौलिया तो उठा ला। तौलिया? हाँ हाँ मिला है। ये ले। जरा पोछ दे तो। हाँ? पोछ दे। अब कैसा लगता है? अरे मेम साहब, हमका तो ऐसा लागत है जैसे हम अपन गैया का पसीना पोछाते हैं। बुद्धू कहीं का, तुझे उस गवार छोकरी की सूरत में क्या नजर आया जो उस पर मर मिटा? अरे उसकी सूरत में तो हम जिंदगी देखे हैं मेम साहब। और मेरी सूरत में? बुरा ना मानना मेम साहब, तुम्हारी सूरत में तो हमका पाप दिखत है। इडियट। इडियट इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है तू बहुत खूबसूरत है। अच्छा मेरा हुक तो खोल दे। ही नरक का दरवाजा हमसे काय खुलवा तो मेम साहब, हम बर्बाद हो जाए। ये वाली केशवराम। नमस्ते मनीष जी। ऊपर क्यों गया था? कि मैं बड़े सरकार से फरियाद करने कि मेरी बेटी चंपा का। तेरी बेटी का बड़े सरकार ने ठेका लिया है क्या? तुझे मालूम है उनकी तबीयत खराब है और तू अपनी बेटी की कथा लेके पहुंच गया? डॉक्टरों ने उन्हें आराम का हुक्म दिया है। मेरा आराम तो मेरी बेटी के साथ चला गया मुनीब जी, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आता। जवान बेटी एकदम से गायब हो गई। अरे वो अपने किसी यार के साथ भाग गई। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए मुनीब जी, तुम्हारी भी एक बेटी है, यही तुम्हारे साथ हो जाता तो। केशवराम, अगर ऐसी बात जबान पर लाए तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम सुन न सके, लेकिन जिस बाप के दिल पर बीत रही होगी उसका क्या हाल होगा, उसका तो कलेजा फट रहा होगा। मुनीम जी कलेजा फटता है तो डॉक्टर के पास जा, और छोकरी के लिए पुलिस चौकी में। मैंने तुझे नौकरी क्या दिलाई कि अपने लिए मुसीबत मोल ले ली? खबरदार जो दोबारा यहाँ कदम रखा, चल निकल निकल जा। भगवान किसी बाप को ये दिन मत दिखाना। बता कहाँ है केशवराम की बेटी जिसे तूने धोखे से सूर्या महल में बुलाया था, बता कहाँ है वो? ये सब बकवास है, गलत है, तमत है, मुझ पर झूठा इल्जाम है ये। जसवंत तमीज से बात कर, बीमार आदमी से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जसवंत कान खोल कर सुन ले बदनसीब,
जालिम का जुल्म बहुत दिन नहीं चलता, वो एक न एक दिन उसे तबाह बर्बाद कर देता है। डैडी, कोई बाप अपने बेटे से इस तरह की बात नहीं करता। आप आखिरी वक्त में भी मुझे कर्ज कर रहे हैं। आप बतवा दे रहे हैं मुझे, मैं तुझे बतवा कर्ज सुन लिया तुमने? चुप हो जाइए। कह रहा है कि मैं उसे शांत कर रही ये रहमत खान साहब, सलाम। सलाम सलाम, तशरीफ रखिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी तो बैठो। जी हाँ भैया, आप सुनो, क्या हाल चाल है? सब भगवान की कृपा है, शुक्र है। अरे खान साहब, आप तो बिल्कुल मिट्टी में अटे हुए हैं। अरे भाई, ठेकेदारी का धंधा है, इसमें तो धूल मिट्टी का ही पाउडर लगेगा। और सच्ची बात तो ये है कालू भाई कि मिट्टी में ही सोना मिलता है। बजा फरमाया आपने। अरे हाँ भाई, मेरा जूता तैयार है। खान साहब, जूता तो बहुत दिनों से तैयार है, बस आप ही की राह देख रहा था। ये जरा पहन कर देख लीजिए। पहनिए। नहीं भाई, मैला हो जाएगा। मगर खुदा की कसम, क्या नफीस जूता बनाया है तुमने। बनाया क्या है खान साहब, बन गया है। अरे रहमत चाचा, नमस्ते। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ, ला हौल विला कुव्वत। भैया, हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वाह वाह। और एक बात और सुनो कालू भाई, गंगा का पानी किसी के हाथ से भी पियो, गंगा का पानी रहता है। सच्ची बात है। बस इसी बात पर तू जा और अपने चाचा के लिए गिलास पानी ले आ। क्या बेटी ले आ? खान साहब, कितनी ऊंची बात कही है आपने, मन पवित्र हो गया। ये लो चाचा। जा बेटा जा। पहले गुड़ फिर पानी। अरे हाँ, गुड़ बचपन में खूब चुरा चुरा के खाया करता था। ये बेटा, कलेजा ठंडा हो गया। अरे हाँ, पैसे। खान साहब, पैसे तो आप पेशगी दे गए थे। अरे दे गया था मैं? हाँ खान साहब। अच्छा तो भाई चले। और हाँ कालू भाई, मेरे लायक कभी कोई खिदमत हो, तकल्लुफ न करना, अपना समझ के कह देना। खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खुदा। नमस्ते। जी धीरे हो बापू। रहमत चाचा कितने अच्छे आदमी हैं। मुंशी जी 100 किलो। शाबाश बाबूलाल जी, 1/4 रामू की यानी कि 25 किलो और 75 किलो छोटे सरकार। अरे अरे मुनीम जी, ये कैसा अन्याय, आधे के बदले 1/4, ये कैसा अन्याय। मुनीम जी, बटाई ऐसी ही होगी तो हम गरीबों का काम कैसे चलेगा। पिछले साल बरखा कम होने से फसल भी कमजोर हुई। फसल कमजोर हुई तो हम क्या करें, ना हम ईश्वर है ना मेघदूत। बरखा नहीं हुई इसमें मेरा क्या दोष। मगर मुनीम जी, बड़े सरकार के जमाने में तो आधे की बटाई हुआ करती थी। भला पुराने रीत रिवाज कैसे टूट सकते हैं मुनीम जी। अरे क्यों नहीं टूट सकते मूर्खो, रीत बनाना और रीत तोड़ना भी तो बड़े लोगों की रीत है। क्यों माय डियर मुनीम? बड़े सरकार के बखत ने बहुत मौज मजा उड़ा लिया, अब छोटे सरकार का राज है। क्यों मास्टर बिरजू? राइट माय डियर मुनीम जी, बड़े सरकार के जमाने में बड़ा हिस्सा, छोटे सरकार के जमाने में छोटा हिस्सा। चल चल अपना काम कर। अरे हम क्या काम करेंगे, काम तो तुम दिखा रहे हो माय डियर। माय डियर का बच्चा, तुम सब कान खोल कर सुन लो, आज से बटाई ऐसे ही होगी। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाए? बाल बच्चे भूखे मरते हैं तो मर जाने दे, खाने वाले कम होंगे तो तुझे तो भर पेट रोटी मिलेगी, क्या समझे? काम छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
भाइयो। सुनो, खामोश। कालू, तो ये सब तेरी जनरेली है? मुनीम जी, भूखे पेट तो बैल भी काम नहीं करते, ये बेचारे किसान कैसे करेंगे। अच्छा, तो तूने भूस में चिंगारी डालकर आग लगाई है? चिंगारी तो आपने डाली है मुनीम जी, पहले गल्ले की बटाई चौथाई करवा दी, फिर धोखे से गरीब सरजू की जमीन लिखवा ली, अन्याय की भी हद होती है मुनीम जी, डब्बे पे चींटी भी काटती है। याद रख कालू, पछताएगा। अगर छोटे सरकार के मगज में गर्मी चढ़ गई तो तुम सर जुल्म जुल्म चिल्लाओगे। आप भी याद रखिए मुनीम जी, जुल्म करने वाला भी पापी और जुल्म सहने वाला भी पापी। मैं इन सब को पाप से बचा रहा हूँ मुनीम जी, अब काम रुका ही रहेगा। अरे ओ जीवा, ये कुएं की मुंडेर पर बैठकर क्या सोच रहा है? मरने का इरादा है क्या? अरे हट, तुम्हारे बापू ने तो हमको चक्कर में डाल दिया। चक्कर में? हाँ, वो कहते हैं कि जुल्म करने वाला भी पापी और जुल्म सहने वाला भी पापी, वही कैसे हो सकता? यूं चुटिया घुमाने से तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जमाने की ठोकर खाएगा तब समझ जाएगा। अरे तो हमको भी तो समझाओ ये जमाने की ठोकर। सुन, अगर तेरी माँ पर किसी ने हाथ उठाया। चुप चुप, हमारी माँ पे कोई हाथ उठाएगा तो ससुरे का हाथ तोड़ के कुएं में झोंक देंगे। हाँ बस यही बात तो बापू ने कही है। अब हमारी समझ में बात आई है। बोल, मेरे खिलाफ किसानों को भड़काने की हिम्मत तुझ में कहां से आई? किस लिए रुकवा दिया तूने काम? मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा तो काम आप से आप रुक जाएगा सरकार। खामोश हरामखोर, सुन ले, कल से मजदूरों ने काम नहीं किया तो जसवंत सिंह तेरी खाल के जूते बना के पहनेगा। जरूर पहनो माई बाप, लेकिन जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, फूके मजदूर कल क्या कभी काम पर नहीं आएंगे। सरकार, यही इंसाफ है, यही सच्चाई है। मैं तेरी सच्चाई को तेरी चिता में जला के छोड़ूंगा। कालू जल जाएगा लेकिन सच्चाई नहीं जलेगी। खामोश, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। जब भगत सिंह को फांसी का फंदा सच बोलने से चुप नहीं कर सका तो तुम कालू को क्या चुप कर सकते हो? अच्छा, तुम भगत सिंह की मौत मरना चाहते हो? मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। सरकार, ये तो तुम्हारे जूते की ठोकर है। अगर तुम मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दो फिर भी मेरा हर टुकड़ा हक की आवाज देगा। महर्षि मंसूर ने फांसी पर चढ़कर भी हक की आवाज लगाई थी, उसे मारने वाले मट्टी में मिल गए, लेकिन उस महापुरुष की आवाज अनल हक आज भी संसार के कोने कोने में गूंज रही है। भगत सिंह, कि सुबह तक हक की आवाज इसके गले में घुट के रह जाए, ले जाओ इसे। तालिम का जुल्म जान ले सकता है लेकिन हक की आवाज को नहीं दबा सकता, याद रख ले सरकार। अरे चाचा, चाचा, ये चाचा, ये सब तुम यहाँ कैसे? बोलो चाचा, किसने तुम्हारी हालत बनाई? किस राक्षस ने दुश्मनी निकाली है तुम पर? बोलो बेटा, संसार में
दाल मूंगी कमी नहीं। तू तो चला जा यहां से। ये ले ओ, तुमको इस हालत में अकेला छोड़कर चला जाऊं? चलो उट, उट। तुम उन ससुरों का नाम बुला दो, एक एक का खून पी जाऊंगा मैं। चलो जीवा, कालू को छोड़ दे वरना तुम दोनों की लाशें यहाँ गिरेगी। लाशें तो तुम लोगों की गिरेंगी। भवर सिंह, खबरदार जो हाथ उठाया। मालकिन, मगर छोटे सरकार का हुक्म है। और मैं छोटे सरकार की माँ हूँ, मेरा हुक्म है कि कालू को जाने दिया जाए। तुम्हारी हालत किसने बनाई? जीवा, मेरे बापू की ये दशा हो गई और तू देखता रहा, बुजदिल कायल। नहीं बेटी नहीं, ऐसा ना कहो। जीवा ने तो अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया है। अरे और नहीं तो क्या, वो तो कहो रानी माँ बीच में आ गई, वरना दो एक को तो मैं चेप देता, ससुरों की लाशें पड़ी होती वहाँ। जीवा भैया, अगर तुमने उन ससुरों की लाशें नहीं गिराई तो हम गिरा के आएंगे। हम कालू चाचा का बदला जरूर लेंगे। रुक जाओ भाइयों, शांति से काम लो। बदला लेना मनुष्य का काम नहीं है। छोटे सरकार ने अपने गुनाहों का बीज बोया है। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि इससे जो पौधे निकलेंगे वो उसकी पापी जिंदगी को घेर लेंगे। याद रखो भाइयों, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तेरी तो सबसे बड़ा अंधेर है माय डियर कालू। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? काटने से पहले ही सांप को मार डालो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। फिर जो मास्टर, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दिखा दूंगा कि इस पापी का कितना खौफनाक अंत होता है। कुतिया की बच्ची, तूने जमीन इतनी गीली कर दी कि मेरा पैर फिसल गया। तू अगर बिक जाए ना तब भी इस झूमर की कीमत अदा नहीं। बच्ची मुझे। छोटे सरकार, तुमने मेरी माँ पे हाथ उठाया। छोटे सरकार, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मार डालो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। छोटे सरकार। हाँ जा बुढ़िया। कमीने, पैरों की धूल पैरों में रहे तो अच्छा लगता है। पुरखों ने तेरे खानदान का नमक ना खाया होता तो मैं तेरे ठोड़ सकता। क्यों हर वक्त गरीबों की जान लेने पर तुला रहता है? तू सामने से हट जा माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझ पे हाथ उठाया है। अरे हाथ तो तुमने हमारी माँ पे उठाया बाबू, कहीं हमारा हाथ उठ जाता तो सीधे नरक पहुँचा देता। नरक में तो तू आज जाएगा हरामजादे। यशवंत, अपनी खुशी पूरी कर ले, पहली गोली मेरी छाती में उतर जाए। तुझे दूध पिला है उसकी कीमत अदा हो जाएगी। चला गोली, हट जाइए माँ जी, नहीं तो ये मूर्ख आप पे भी गोली चला देगा। कमीने चुप। अरे तुझे तो मैं गोली खा के भी जिंदा ना छोड़ूं छोटे सरकार। जीवा, जो मेरे बेटे ने तेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटे। चला जाए यहाँ से, चला। माँ जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम कुत्ते नहीं, इंसान हैं। मैंने तुझे वही करते हैं। अरे कैसे चले जाए माँ, ये कौन इंसाफ है? मालिक के सामने ऐसा नहीं बोलते, तुझे मेरी समझ। अरे छोड़ो माँ, नौकरी करते हैं, किसी का एहसान तो नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, हाथ उठा देते हैं। अरे मेहनत मजदूरी की करते हैं हम। माँ, तूने हमारे टुकड़ों पर पलने वाले जलील कमीने ग्वाले के आगे हाथ जोड़ लिए, उससे माफी मांगी। तुमने हमारे खानदान की इज्जत और वकार को मिट्टी में मिला दिया, हमारे पुरखों की आत्माओं को जलील कर दिया। इन पुरखों की आत्माओं का नाम ले रहा है, वो आज भी तेरी इन हरकतों से तड़प रही होगी। हाँ तड़प रही होंगी, मगर तुम्हारी वजह से। इसी कमीने ने उस दिन कालू चमार को छुड़वाया था और तुमने उस दिन भी इसी की तरफदारी की थी। अब मैं ये जिल्लत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां,
तुम्हारा मेरा रास्ता अलग अलग है। अब तुम काशी चले जाओ मां, तुम्हें वहां शांति मिलेगी और मुझे यहां। इसलिए कि तुम्हारे जुल्म का रास्ता साफ हो जाए। यही समझ ले मां, यही समझ ले।